आपसे पूछूंगा क्या आप कॉफी चाहते हैं, तो पहला मुझे धन्यवाद कीजिए. थैंक यू सर. थैंक्स, बहुत धन्यवाद जी. मुझे चाहिए कॉफी, गला सूख गया था, अच्छा हुआ आपने पूछा. ऐसा आपको बोलना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में यस थैंक यू, नो थैंक्स नहीं. मगर ये रूल हर जगह पे हर एक भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरी बात यह है कि आपको कॉन्टेम्प्रेरी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नॉर्म सिखाऊंगा. जैसे आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा डू यू हैव योर रेज्यूमे, अगर आप बोलेंगे यस सर, तो वो गलत है. मुझे और एक बार पूछना पड़ेगा शो मी योर रेज्यूमे. इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं पूछूंगा डू यू हैव योर रेज्यूमे, यस सर आई डू, ऐसा कह के अगर आप मुझे रेज्यूमे दिखाएंगे तो आप मेरा वक्त बर्बाद होने से रोक रहे हैं. और फोर्थ एंड फाइनल प्रोफेशनल बिहेवियर, मैंने आपको पहली एक बार मैंने बताया था कि जब आप इंटरव्यू में आते हैं आपको सिर्फ अपने सैलरी की जो नॉलेज है आपको पक्का, उसके बारे में मुझे इंप्रेस मत कीजिए, मगर आप दिखाइए मुझे, एक इंप्रेशन दे दीजिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए मैं प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूँ. प्रोफेशनल बिहेवियर यानी चार लोगों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आजकल के ज़माने में इंटरव्यूज कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, इंटरनेट में हम एप्लीकेशन देते हैं, और सिर्फ बैंगलोर और बॉम्बे से नहीं मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड से, बॉस्टन से, बर्मिंगहम से हमें रेज्यूमेज मिलते हैं. तो आप वर्ल्ड में किसी के सामने भी आपको ये मुझे दिखाना चाहिए कि आप उतने ही माहिर हैं हर एक क्षेत्र में जैसे वो है. मेरी बात का मतलब यह है कि आपको मुझे दिखाना है कि प्रोफेशनल बिहेवियर, इसका मतलब है जब आप चार लोगों के बीच में बात करेंगे तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को पेश करना चाहिए, और मेरा काम में जो वैल्यू आप ऐड करने की क्षमता रखते हैं उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देना चाहिए. वेलकम बैक फ्रेंड्स. मैं आज आपको एक बहुत ही आसान एप्लीकेटिव रूल बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको. सिर्फ जो अपने जहन में नॉलेज आप रखे हैं उसे औरों को दिखाना है, दैट्स इट, और आप इंप्रूव हो जाएंगे. तो द लेसन इज वेरी सिंपल, द टैक्टिक द टेक्निक इज वेरी सिंपल. वो ये है कि आपको हर एक दिन सिर्फ एक सेंटेंस इंग्लिश में जरूर बोलना चाहिए. जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, मैं उसके साथ गया, इट वॉज नॉट रेडी, तो मैं वापस आ गया, इट वॉज नॉट रेडी. ऐसा प्रैक्टिस कीजिए आप. नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.